बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कंप्यूटिंग मेथड्स, सेमेस्टर फिफ्थ, लेक्चर फोर, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आई एम प्रोफेसर गुलाम सरवर, बीसीएस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज। आई होप यू ऑल वेल। बाय प्रीवियस लेक्चर वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ टेलर सीरीज। नाउ यूजिंग टेलर सीरीज वी आर गोइंग टू लर्न अनदर मेथड। नाउ यू शुड हैव रजिस्टर, pencil, pen, calculator scientific. You must pause and calculate values, reverse videos for numericals. आपको सिर्फ यही नहीं करना है कि सिर्फ वीडियो देखनी है, बल्कि वीडियो को पॉज करना है, उसके अंदर जो कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ कैलकुलेशन सीखनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है कि क्या आया जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ, वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अपनी वीडियो को वापस रिवर्स करें, फार्मूलाज देखें, जो टेक्निक सिखाई है वो टेक्निक देखें, अपने कैलकुलेट वैल्यूज करें, पॉज करें अपने वीडियोस को और इस तरह आगे बढ़ें, तो इस तरह आप आसानी से सीख सकेंगे। ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई जा रही है कि सिर्फ आप उसको देखते रहें और प्रैक्टिस ना करें। नाउ वी स्टार्ट द आइलैंड मेथड एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब टेलर सीरीज को इस्तेमाल करते हुए हम आइलैंड मेथड और इसका जो मॉडिफाइड आइलैंड मेथड है वो सीखेंगे। द फर्स्ट ट्रूली न्यूमेरिकल मेथड डेट वी डिस्कस इन द आइलर मेथड वी कैन सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिस तरह हमने टेलर सीरीज में एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ की थी, यहाँ पर भी हमें उसी तरह डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई और वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, यानी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे बाई यूजिंग जस्ट वन टर्म ऑफ द टेलर सीरीज मेथड। यानी इस मेथड के अंदर, आइलर मेथड के अंदर, हम टेलर सीरीज की सिर्फ एक टर्म यूज करेंगे। y of x is equal to y of x naught plus y dash of x naught x minus x naught plus error. अच्छा, एरर निकालने के लिए हमें h square upon 2 y double dash of zeta, जिसको हम o of h square भी कह सकते हैं। ये एरर टर्म कैसे निकालते हैं, कहाँ, ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें ऑलरेडी हम सीख चुकाएंगे या पहले भी हम टेलर सीरीज में सीख चुके हैं और आगे भी सीखेंगे। दिस इज नोन एज द आइलर मेथड। ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, ये हमारे पास आइलर मेथड के तौर पे काम आती हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं इसके अंदर कि ये जो हम आइलर मेथड कर रहे हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वेशन को, ये जो हमारे पास सेकंड, ये जो हमारे ओनली क्या कहा है हमने इसमें, बाय यूजिंग जस्ट वन टर्म, यानी वाई ऑफ एक्स तो होता ही हमारे पास, वाई डैश ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स, सिर्फ एक टर्म यूज़ करते हुए हम ये आइलर मेथड के सॉल्व करेंगे कि आइलर मेथड में हम किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज आइलर मेथड। इन इफेक्ट वी प्रोजेक्ट अलॉन्ग द टेंजेंट लाइन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वाई ऑफ एक्स नॉट, यानी हमें इनिशियल पॉइंट जो है एक्स नॉट उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इफ द इंक्रीमेंट टू एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एच, हमें पता है कि हमने पहले भी स्टेप साइज एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एच लिया था, इज स्मॉल इनफ द एरर विल बी स्मॉल। ये जितना स्मॉल होगा एरर भी उतना ही स्मॉल होगा, यानी स्टेप साइज जो हम ले रहे हैं। वंस वी हैव वाई एट एक्स नॉट प्लस एच, यानी वाई की वैल्यू जब हम उसमें एच यानी स्टेप साइज जो है हमारे पास उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अगली वैल्यूज आएंगे हमारे पास। वी कैन रिपीट टू गेट मोर वैल्यूज। अब हम ये जो आपके पास टेलर सीरीज की हमारे पास वन टर्म इस्तेमाल करते हैं, हम आइलर मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किस तरह सॉल्व करते हैं ये देखें। इसके लिए हमारा फार्मूला है वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच वाई डैश ऑफ एन प्लस एरर टर्म। अब देखेंगे ये yn हमारे पास जो गिवन वैल्यूज होगी, h y dash n ये हमारे पास हमें निकालनी होंगी। अब किस तरह इसको सॉल्व करेंगे या ये हम देखते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर हमें एक बात नोट करनी कि ये y of n1, ये जो हमारे पास ये फार्मूला है, ये फार्मूला अब हमारे पास आइलर फार्मूला बन गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखें। द मेथड इजी टू प्रोग्राम फॉर वी नो द फार्मूला फॉर y dash of x एंड स्टर्लिंग वैल्यूज y नॉट एज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स नॉट। असल में ये स्टर्लिंग स्टार्टिंग वैल्यूज हैं, स्टार्टिंग वैल्यू y नॉट इज इक्वल टू y ऑफ एक्स नॉट, जिस तरह हमने पिछली दफ़ा ली थी टेलर सीरीज में, वही क्वेश्चन को वही एग्जांपल लेते हैं हम आगे चलेंगे ताकि आपके सीखने में आसानी हो। टू सी दिस इन एक्शन वी अप्लाई इट टू सिंपल इक्वेशन क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स एज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस वाई वाई ऑफ जीरो एज इक्वल टू माइनस वन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टेलर सीरीज, इस एग्जाम्पल को लेके टेलर सीरीज बना चुके हैं। अभी टेलर सीरीज का सिर्फ वन टर्म लेके हम आइलर मेथड इस्तेमाल करेंगे और किस तरह इस्तेमाल होगा यह भी देखते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ से y ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस वन, ये जो वैल्यू आ रही है ये इनिशियल कंडीशन हो रही है, यहाँ से हमें x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू माइनस वन निकल रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे।
तो हम देखेंगे कि यहां पर ये जो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस वन, हम ऑलरेडी जानते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट, यानी x चूंकि वैल्यू है वो x नॉट की वैल्यू है, तो ये x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू माइनस वन हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब इस इक्वेशन में पुट कैसे करेंगे, देखें ये देखें, हम ये जो ग्रे कलर के हमारे पास शेड में जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन इसी की है, डीवाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश ऑफ एक्स नॉट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने माइनस टू अपनी जगह पे लिखा, एक्स की वैल्यू हमने जीरो पुट करी और वाई की जगह हमने माइनस वन पुट किया, इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गई, हमारे पास वाई डैश ऑफ इज इक्वल टू वन आ गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई ऑफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई, यानी यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई वाई डैश की वन। एंड अब हमारे पास पता है कि एच क्या है यहाँ पे, तो ये देखते हैं वेयर वी टेक एच इज इक्वल टू 0.1, ये जो हमने स्टेप साइज ले रहे हैं एक्स माइनस एक्स नॉट, तो हमें पता है एच क्या है, एच की वैल्यू हमने 0.1 ली, तो हमने वाई डैश जो हमारे पास आया या हमारे पास ये वाई डैश की वैल्यू जाइए उसको हमने ये एच की वैल्यू 0.1 से मल्टीप्लाई करा 1 को, तो हमारे पास 0.1 आ गया। अब आगे चलते हैं, ये देखिए हमारे पास टेबल, अब ये टेबल किस तरह ड्रा हुई है, तो देखें पहली फर्स्ट वैल्यू जो हमने ली है यहाँ पर y ऑफ y डैश ऑफ 1 है और हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो ये yn वाली वैल्यू y की वैल्यू है, y वाली y डैश की वैल्यू है और h y डैश n हमारे पास यानी y डैश की जो वैल्यू आएंगी उसको हम h से यानी इस h की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो अब देखेंगे y डैश n की वैल्यू कहाँ से निकाली, देखें ये y डैश n की वैल्यू अभी ये 1 निकाली हमने, ये जो y डैश की वैल्यू आई है ये देखें कहाँ गई, ये देखें ये जो माइनस 1 वैल्यू आई है हमारे पास y की वैल्यू ये हमने यहाँ पुट की है, ठीक है। अब ये जो वाई डैश की वैल्यू ये किस तरह पुट करेंगे, ये देखें वाई डैश की वैल्यू हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, वाई डैश की वैल्यू है, अब ये जो हमारे पास एच वाई डैश एन है ये एच वाई डैश एन ये वैल्यू कहाँ पुट होगी, तो हम देखें ये वैल्यू यहाँ आ गई। तो देखिए आपकी ये जो टेबल बनाई है इसकी फर्स्ट रो आपको समझ में आ गया कि किस तरह हमने इसको काम किया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रोम के लिए, तो हम देखते हैं कि सारी वैल्यूज जो है हमारे पास जो मेन फार्मूला है आइलर थ्योरम का वो ये है yn प्लस वन इज इक्वल टू yn प्लस एच वाई डैश एन प्लस एरर टर्म। अब देखेंगे यहाँ पर ये n प्लस वन मुझसे मुराद है नेक्स्ट टर्म, अब ये नेक्स्ट टर्म है ये वाली वैल्यू किस तरह हमें निकालनी, ठीक है। तो yn प्लस वन यानी इनकी वैल्यू आपने जीरो रखी तो yn वन ये जो हमारे पास वैल्यूज निकल चुकी है। अब नेक्स्ट टर्म के लिए हम क्या करते हैं, देखें ये yn की वैल्यू हमने क्या रखनी है यहाँ पे, तो yn की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है माइनस वन, ठीक है। एच वाई डैश एन कितना निकाला हमने 0.1, तो हम किस तरह इसको सॉल्व करते हैं, देखें ये वाई एन की जगह हमने माइनस वन रखा, एच वाई डैश एन हमने ये 0.1 वैल्यू रखी, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया माइनस 0.9। अब ये माइनस 0.9 कहाँ आ जाएगा, ये देखें दूसरी वैल्यूज के लिए यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास वाई एन की नई वैल्यू आ गई है, वाई एन जो हमारे पास यानी ये जो वाई है इसकी वैल्यू अब नई वैल्यू आ गई माइनस वन, ठीक है। पहले हमारे पास माइनस वन थी, अब उसकी जगह आ गई 0.91। अब ये 0.91 जो है हम ये y की जगह रखेंगे कहाँ पे, ये जो घिरे वाली इक्वेशन है इसमें, तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू हमने 0 पुट की है, अब x की वैल्यू 0 पुट नहीं करेंगे बल्कि x की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.1, पहले 0 पुट की थी अब करेंगे 0.1, तो इसकी जगह 0.1 करेंगे और माइनस वन की जगह हम क्या पुट करेंगे, अब yn की जगह पहले हमारे y की वैल्यू माइनस वन आई थी इसलिए हमने माइनस वन पुट की, अब y की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी आ गई माइनस 0.9, ये रही हमारे पास, ठीक है। अब ये माइनस 9.0 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी वो देखें इस तरह कि x की वैल्यू हमने 0.1 रखी, पहले 0 रखी थी तो हमारे पास अब 0.1 है सेकेंड स्टेप के लिए, और y की वैल्यू अब हमने पहले माइनस 1 रखी थी अब क्या रखेंगे 0.9, इसको सॉल्व करेंगे तो देखें y डैश माइनस 2 0.1 माइनस माइनस 0.9, तो हमारे पास आ गया 0.7, जिस तरह हमारे पास पहले ये आया था 0.1, अब इस तरह आ गया 0.7। अब 0.7 को देखो हमने कहाँ रखना है, तो ये 0.7 कहाँ जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद जो ये 0.07 है हमें पता है कि y डैश की जो भी वैल्यू आती है देखें यहाँ पे जिसको हम 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.7 को 0.1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके पास आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी 0.07। तो ये देखें हमने दो स्टेप कर लिए हैं, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0.2 रखेंगे, यहाँ पे x की जगह हमने 0.2 रखा या यहाँ बता दो कि मैं 0.2 रखा, और y की जगह हमने क्या वैल्यू रखनी है, अब y की वैल्यू जो हमने रखनी है जो हमारे पास ये नई वैल्यू आ रही है y की वैल्यू ये 0.83, ठीक है ना, ये कहाँ से आनी है, तो अभी लाजमी है हमें ये भी कहाँ से निकालनी, जिस तरह हमने y की वैल्यू 0.9 निकाली थी तो इसी तरह यहाँ पर अब y की वैल्यू जो 0.83 आनी है, पहले तो 0.07 आ गया। अब ये जो 0.07 ये लिखा है इस वाली वैल्यूज को हम इस yn प्लस वन में रखेंगे, तो यहाँ पे yn की वैल्यू क्या रखनी है हमें,
ये रखनी है लाजमी 0.9, ठीक है। फिर हमने एच वाइडेशन क्या रखना है 0.07, यानी ये 0.07 इधर रखना है। जब दोनों को सॉल्व करेंगे, इरर टर्म को भी हम ऐड नहीं करते हैं, जब ये भी हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास जो नई टर्म आएगी वो आएगी, ये आएगी 0.8300। किस इक्वेशन के जरिए? इक्वेशन बी के जरिए नई वैल्यू आती है। जब इक्वेशन बी के जरिए नई वैल्यू आ जाए -0.8300, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो आपके पास घिरे वाली है उसमें x की जगह हम 0.2 रखेंगे, और इस y की वैल्यू की जगह -1 की जगह और -0.9 जो हमने रखा था पहले उसकी जगह हम रखेंगे 0.83। तो और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे यहाँ पे 1 आया था पहले ये, फिर उसके बाद हमारे पास 0.7 आया था, उसके बाद अब जो सॉल्व करेंगे तो उसमें आएगा 0.43। कहाँ से? ये घिरे वाली इक्वेशन से। इसमें इसको फिर हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यह आ जाएगा। अब इन तीनों वैल्यू को, इसको वैल्यू को लेकर और इसको वैल्यू लेकर हम यहाँ इसमें हमारे पास इक्वेशन बी में पुट करेंगे तो हमारे पास ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगी ये, यानी हमें नेक्स्ट टर्म के लिए वाई एन की वैल्यू निकालने के लिए बी इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3-4 स्टेप समझा दिए हैं। अब इसको आप वीडियो को पॉज करें, देखें किस तरह करा है, वीडियो को रिवर्स करें, इस वाले पोर्शन को दोबारा देखें कि हमने किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करा है, क्वेश्चन सॉल्व करके दूसरी वैल्यूज भी निकालनी। तमाम वैल्यूज निकालने के बाद हमने यहाँ पे देखा है कि एनालिटिकल आंसर इज -0.81096, एरर इज -0.04266। अब ये एनालिटिकल कहाँ से आ गया? हमें पता है इस इक्वेशन की एनालिटिकल सोल्यूशन क्या है, ये हम पिछले टेलर सीरीज में सीख चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें, रिवाइज करने के बाद देखें कि वहां से हमने एनालिटिकली क्या आंसर निकाला, ठीक है। एनालिटिकली जब ये आंसर आ गया है तो उसके जरिए हम क्या करेंगे कि ये एनालिटिकल ये है हमारे पास, इसमें से हम ये -0.77 जब माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसमें ये वैल्यू माइनस होगी, तो आप देखेंगे हमारे पास एरर आ जाएगा -0.046। हम देखेंगे पॉइंट के पास सिर्फ एक जीरो है, तो इसका मकसद है सिर्फ 1 डेसिमल प्लेसेस तक ये आंसर करेक्ट है। लेकिन हम जितने ज़्यादा स्टेप लेंगे 0.45, जितने स्टेप साइज हमारे पास कम होगा, तो उसके बाद आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास एरर कम होता चला जाएगा। अब देखें यहाँ पर यही टेबल को हम दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखें हमने पूरी जो टेबल बनाई है किस तरह बनाई थी, इसमें एनालिटिकल आंसर भी बताया गया कि भाई एनालिटिकल आंसर कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पर 0.4 इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास एनालिटिकल ये आ रहा है, ठीक है। इस स्टेप में ईच ऑफ द वाई एन, यानी ये वाई एन वैल्यू कैसे निकालती है, मैं पहले पिछले में बता चुका हूँ, वैल्यूज इज कंप्यूटेड यूजिंग इक्वेशन बी, ये इक्वेशन बी जो भी हमने पीछे इस्तेमाल किए आयलर थ्योरम की, एडिंग एच वाई, ठीक है ना, एच वाई एंड वाई एन ऑफ द प्रीवियस लाइन, कंपेयरिंग द लास्ट रिजल्ट टू द एनालिटिकल आंसर वाई इज इक्वल टू 0.40। अब ये एनालिटिकल में हमने 0.04 डायरेक्ट डाला तो हमारे पास 0.81096 आ गया, यानी हमारे पास इसकी जगह ये वैल्यू आ रही है एनालिटिकल। तो हमने क्या करा, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास एरर निकल गया, तो कितना आ रहा था, वो ये वैल्यू आ रही थी। We see that there is only one dimensional place accuracy, जो बात बता चुका हूँ। Even though we have advanced the solution only 4 steps to gain 4 decimal places accuracy, we must reduce the error by more than 400-fold because the global error is about proportional to h. We will need to reduce the step size about 4 to 6-fold to 0.00042। इस तक लाने के लिए हमें लाजमी क्या करना पड़ेगा, मजीद स्टेप्स लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास, इस इक्वेशन के जरिए हमने ये वैल्यूज निकाली हैं सारी जो हम पुट कर रहे हैं। कहाँ से पुट कर रहे हैं? ये जो बता रहा है कि ईच द वाई एन वैल्यूज इज कंप्यूटेड इन इक्वेशन बी, ये हमारे पास इक्वेशन बी है, एडिंग एच वाई डैश एन। अच्छा, ये एचिंग वाई डैश जो है इसमें ये वाई नहीं है, सिर्फ वाई डैश भी है, क्योंकि वाई डैश को हमने एच किया है ना, ये एज वाइडेशन, यहाँ पे वाइडेश रह गया तो इसको वाइडेश कर लीजिएगा। एंड वाई एन, हमें पता है ये वाई एन और एज वाइडेशन, देखें वाई एन और एज वाइडेशन दोनों को मिला के हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। आप अपने क्लिप को या मूवी को रिवाइंड करें, रिवाइज करें, उसको देखें कि किस तरह काम हो रहा है, वर्क कैसे हो रहा है, उसकी प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में गड़बड़ है या कोई नज़र नहीं आता है या कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैथ्स कॉर्नर में आपका वेलकम कहते हैं और नेक्स्ट भी वेलकम करते रहेंगे। आई एम प्रोफेसर गुलाम सरवर, गुड लक फॉर एनी क्वेरी, कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप, ऑल स्टूडेंट मस्ट सब्सक्राइब फॉर योर अटेंडेंस, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। मैं जो है अपना लेक्चर जो इसके बाद है मॉडिफाइड आयलर
मेथड वो भी मैं इसी के साथ शामिल करना चाह रहा था, लेकिन फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।